आज फिर से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला था, लेकिन आज फिर से रौनक लौटी है, वो है नाहर स्पिनिंग का। अंशुल जी, आप चेक करेंगे नाहर स्पिनिंग? देखिए, नाहर स्पिनिंग में कुछ हद तक कंसोलिडेटिंग पैटर्न था और वहां से चलना स्टार्ट किया है। अब बिल्कुल ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है इसने, 512 दिन या 108 हफ्ते का कैपिटल पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन पिछले दो हफ्ते की जो कैंडल है ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग है और थोड़े वॉल्यूम्स थे सेलिंग में। मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इस पर कि ये ब्रेकआउट काम करेगा या नहीं। 363 निकल जाता है तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये ब्रेकआउट वर्क करेगा, फिर ये स्टॉक 500-520 तक जा सकता है। तो करेंट जंक्चर पे मैं अवॉइड करूंगा। 360-363 की जोन अगर निकल जाती है तो फिर ये मेरे इंटरेस्ट में जरूर होगा और अपने क्लाइंट्स को मैं बाय रिकमेंड करूंगा। वैसे ही मेरे एक्टिव वॉच लिस्ट में है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो दो वीकली कैंडल बनी है इसकी वजह से हम थोड़ा सा होल्ड पे हैं। 360-365 निकलते ही से वापस से हम इसमें लॉन्ग कॉल्स देना स्टार्ट करेंगे। करें उसके बाद जो है एक तेजी इसमें आती हुई दिख सकती है, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट जरूर करें स्टॉक में।